एमईएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास क्या है। इतिहास कई तरह के होते हैं। एक विश्व इतिहास है, भारतीय इतिहास है, हर एक देश का अपना इतिहास है। हम देखेंगे भारतीय इतिहास कितने प्रकार का होता है। भारतीय इतिहास में हम देखेंगे किन किन टॉपिकों को हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास किन टॉपिक को देखेंगे, मध्यकाल। मैंने बस आपको एक रेफरेंस दिया है, मैं पूरा बुकलेट नहीं दिया हूँ, इसलिए उम्मीद मत कीजिए कि ये क्यों ऐसे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत इन टॉपिक से आप करेंगे। पहले हम इतिहास की डिफिनेशन क्लियर कर दूँ। मानव के अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। देखिए, मानव के अतीत, अतीत मतलब होता है पूर्व, मानव के पूर्व काल को ही हम इतिहास कहते हैं। अब आइए, भारतीय इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो भारतीय इतिहास तीन तरह का है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। मध्यकालीन की शुरुआत हम मानव के उद्भव से करते हैं, मैं वो टॉपिक नहीं डाला हूँ क्योंकि मानव के उद्भव के साक्ष्य बहुत ही काल्पनिक है। हम एक ऐसे समझिए कि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं और अचानक से पृथ्वी के भूगर्भ से ऐसी कोई आंतरिक प्रक्रिया हुई और पूरी तरह से क्या हुआ कि जिस मकान में आप बैठे हो मकान गिर गई हो और उसके 100-200 साल बाद उस चीज़ का परीक्षण करके और जब वो लिखेंगे बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी रिकॉर्डिंग उस समय का नहीं है, तो वह एक कल्पना प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उस चीज़ को नहीं डाला हूँ। आप स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, सिंधु घाटी के किनारे ही लोग रहना क्यों शुरू किए। ये जब इस टॉपिक को टच किया जाएगा तो इसमें पता चलेगा। वैदिक काल, धर्म का प्रसार, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें आप देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राज्य एवं साम्राज्य, राज्य कैसे बने, साम्राज्य कैसे बने, ये मानव के राजनीतिक पहल हैं। राज्य एक पॉलिटी तो ये कहता है कि राज्य एक विचारधारा है जिसे मानव ग्रहण किया है, लेकिन उसका भौगोलिक जो रूप होता है वो मानव तय करता है। तो राज्य कैसे बने, साम्राज्य क्या है, ये एक टॉपिक बन सकता है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में आप देखेंगे घनानंद नंद वंश के शासक को पराजित करके चंद्रगुप्त ने किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, इस टॉपिक। अब इसमें और भी हैं, भारत में आप देखेंगे इसके बाद शुंग वंश आएगा, सातवाहन आएंगे, कुषाण आएंगे। कुषाणों ने तो आप देखेंगे कि चीन से जो रूट होकर के सिल्क रूट आप देखे होंगे, सिल्क रूट जहाँ से रेशम का व्यापार होता था उसमें कुषाणों का बहुत बड़ा जो है पकड़ था। इसी में आप आगे आएंगे देखें दक्षिण भारत में चोल चेर और पांड्यों का था। तो आगे चल करके ये सारे टॉपिक और भी नीचे जाएंगे। मध्यकालीन भारत इतिहास में सबसे पहले आप देखेंगे अरबों का आक्रमण, अरब कैसे आए, लेकिन अरब आए लेकिन अरब जीत नहीं पाए। आप जानते हैं अरब जीत नहीं पाए, अरबों के हारने के क्या कारण थे, अरबों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर तुर्क में आप देखेंगे महमूद गजनबी आया, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया और उसी समय एक लेखक आया अलबरूनी। उसके बाद से दिल्ली संतलत की स्थापना हुई, तराइन के द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के पराजय 1192 ईस्वी में के बाद। उसके बाद से आप देखेंगे पूर्ण रूप से भारत का पहला तुर्क शासक जो बना कुतुबुद्दीन ऐबक बना। उसके बाद से दिल्ली संतलत के अंत के बाद इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया बाबर ने, और बाबर जो है फरगना का शासक था उसके सीट को छीन लिया गया। वह लाख कोशिश किया कि मैं उधर चला जाऊं लेकिन वह नहीं गया और अंततः वह देखा कि भारत में दिल्ली संतलत की कोई उस तरह की सुदृढ़ और शक्तिशाली कोई शासक नहीं है जो साम्राज्य को चला सके। पुनः उसका दृष्टिकोण भारत की तरफ पड़ा और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब यहाँ देखेंगे कि जब 15वीं शताब्दी में जब यूरोप में खोजों का दौर चल रहा था तो उस समय पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश तमाम जो है छोटे छोटे व्यापारिक कंपनियां आई और आने के बाद आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य पर किस तरह का उनका प्रभाव पड़ा और राजतंत्र टूटा। औरंगजेब के मरने के बाद उत्तराधिकारी राज्य आए, विद्रोही राज्य आए, सिख राज्य आए, मराठा राज्य आए।
तमाम तरह के राज्यों के किस तरह से मतभेद हुए। कंपनी ने इसका प्लासी युद्ध में जवाब दिया, बक्सर युद्ध में जवाब दिया और इलाहाबाद की संधि 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि के दौरान बंगाल की दीवानी ब्रिटिशों के हाथ में चली गई तो उत्तर अमेरिका का सोना और दक्षिण अमेरिका की चांदी जब भारत में आना बंद हो गया और भारत के ही पूंजी को पूर्ण रूप से व्यापार करके यूरोप भेजना शुरू किया गया। इस तरीके से आप देखेंगे आधुनिक बार, इसके बाद भी आप देखेंगे कर्नाटक का युद्ध है, कई तरह के युद्ध हैं, अनेक नीति किस तरह के, ब्रिटिश गवर्नर आए, जनरल गवर्नर, और आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के युद्ध में आया, उसके बाद विलियम वारन हेस्टिंग आया, उसके बाद विलियम बेंटिंक आए, तमाम लोग आए। और एक प्रश्न भी कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत का आधुनिकरण किया जबकि विलियम बेंटिक ने भारत की सांस्कृतिक पहचान दी। हमने आज़ादी के इतने साल हो गए, हम लोगों ने राजनीतिक शक्ति तो प्राप्त कर ली किंतु सांस्कृतिक शक्ति आज भी हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा दी गई कहीं अनेक रूपों में, कहीं सूक्ष्म है, कहीं दीर्घ है, दिखाई देते हैं। धन्यवाद। तो आज का ये टॉपिक था, इतिहास क्या है, इतिहास कितने प्रकार का होता है, इतिहास कितने, कुछ मेजर टॉपिक आपको दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।